नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चाउमीन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये तेल गरम हो गया है हमारा, और इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज, तो मैंने पहले इसको चॉप करके रख लिया है। और इसमें डालूंगी हरी मिर्ची, और इनको दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। डालूंगी मैं लहसुन का ये पेस्ट, जो कि मैंने 5 से 6 कलियाँ लेके अच्छे से इसको मैंने कूट लिया है। मैं ना इससे क्या है कि अच्छा से हमारे चाउमीन में अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डालूंगी मैं कैप्सिकम, ये मैंने जो कि इसको बारीक काट लिया है लंबा लंबा स्लाइस में। और ये है गाजर यानी कि कैरेट, इसको भी मैंने काट लिया है। आप चाहो तो सब्जी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसमें डालूंगी कैबिज यानी कि ये पत्ता गोभी, जो कि मैंने इसको भी ये लंबा लंबा पतला पतला इसको काट लिया है। और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, ऐड करेंगे जिससे कि सब्ज़ी हमारी जल्दी से ये पक जाए और यानी कि सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट में सब्जियों को मैंने पका लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अब इसमें मैं टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के भी हम इनको सब्जियों के साथ पका लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने चाउमीन को बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, जिससे कि हमारी चाउमीन एक एक अलग अलग है, नहीं तो पानी नहीं डालते तो ये चिपक जाती है। ये हमने इसमें चाउमीन डाल दी है, सब्जी हमारी पककर तैयार है। अब इसमें डालूंगी मैं ये बैगन आ रहा है, ये विनेगर डालूंगी मैं इसमें। आप चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं, करीब 1 चम्मच के बराबर ही, 1 चम्मच ही इसमें मैं बस ऐड करूँगी। सोया सॉस, जो कि इससे कलर और फ्लेवर अच्छा दोनों आता है। करीब मैंने 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने पहले भी इसमें डाला था सब्जी पकाते समय, तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मिर्च पाउडर डालूंगी, और इसमें बस डालूंगी मैं थोड़ा सी काली मिर्च पाउडर। इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच चीनी, जो कि चाउमीन में आपने देखा होगा खट्टा मीठा जो फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। डालूंगी 1 चम्मच टमाटो केचप, आप चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इस पर पनीर क्रिएट कर देते हैं। ये चाउमीन बनकर हमारी तैयार है। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।